दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र जमकर हंगामा कर रहे हैं। बड़ी फीस के खिलाफ जेएनयू छात्र संघ गेट के बाहर सड़क पर संग्राम कर रहे हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो छात्रों ने बैरिकेड के ऊपर उठा लिया और छात्रों ने बड़ी फीस को लेकर वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को हिरासत में लिया है। हंगामे के बाद जेएनयू में दीक्षांत समारोह चल रहा था और इस समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। तो फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। तो वहीं इसके अलावा ड्रेस कोड जिस तरह से लागू किए जाने की बात की जा रही थी उसका भी विरोध ये छात्र संघ कर रहे हैं। तो जेएनयू में छात्र संघ की तरफ से किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैरिकेड जो है तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई तो बैरिकेड तोड़कर इसको पार करने की कोशिश करते यहां पर दिखाई दिए जिसके बाद कई छात्रों को पुलिस प्रशासन की तरफ से हिरासत में लिया गया। तो सीआरपीएफ और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं। तो जेएनयू दीक्षांत समारोह के दौरान ये बड़ा विरोध प्रदर्शन जेएनयू छात्र संघ की तरफ से तो फीस बढ़ोतरी की खिलाफ जो है ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन वाइस चांसलर हमसे कोई बात नहीं करने हैं। यहाँ फी हाइक हो गया है। यहाँ 40% बच्चे हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। यहाँ पर सब्सिडाइज होता है हॉस्टल भी हर चीज ताकि गरीब पढ़ सके। अगर यहाँ 6-7 हजार हॉस्टल भी आ जाएगा तो कोई गरीब कैसे पढ़ेगा। इसीलिए हम लोग 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे वाइस चांसलर एक बार भी मिलने नहीं आए हैं।